चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। तो नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। अगला है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। अगला है, संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रावधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74(1) में। अगला है, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान के किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। अगला है, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में। अगला है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के। अगला है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? याद रखिए, प्रत्येक 5 वर्ष पर। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किसने ने की? राष्ट्रपति ने। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो 34। 30 वर्तमान की बात करें तो एक 34 के लगभग हुए, 33-34। ठीक, भारत में दो ही सदन वाले कुल कितने राज्य हैं? 6। अगला है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितनी स्थान आरक्षित हैं? 79, 79। अगला है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय चुनाव से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2। अगला है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय कर सकता है उच्चतम न्यायालय। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गण राज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना हुई? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। अगला है, संविधान सभा का संविधानिक परामर्शदाता कौन था? बीएन राव। अगला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? तो ये था संविधानिक उपचारों के अधिकार। अगला है, किस लेख का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो ये अधिकार पेच्छा का। अगला है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है, मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। अगला है, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक, दोनों का समन्वय है। अगला है, भारत के आधार भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश। अगला है, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची। अगला है, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? भाग 2 में। अगला है, भारतीय संविधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद में। अगला है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? पैथिल लॉरेंस, स्टेफोर्ड किप्स, एबी अलेक्जेंडर। अगला है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है?
नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगला है, मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर। अगला है, भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? केंद्रीय सेवा के। अगला है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? संवर्ती सूची। अगला है, संसद के कितने सत्र होते हैं? उनके नाम बताएं तो 3, बजट, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। अगला है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्य काल। अगला है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। अगला है, राजमन्नार आयोग का गठन किस उद्देश्य किया गया? प्रशासनिक सुधार के लिए। अगला है, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया? अखिल भारतीय सेवा। अगला है, जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राज्य न्यायालय के परामर्श से। अगला है, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा। अगला है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? पंचायती राज व्यवस्था। अगला है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? संविधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय किस रेट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश करता है? परम आदेश। अगला है, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है, तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा? अधिकार प्रेक्षा। अगला है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? जम्मू कश्मीर में। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वें संविधान संशोधन। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? अनुच्छेद 338। अगला है, संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? 23वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? भारत की संचित निधि। अगला है, दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके प्रदान किया गया? संसद को। अगला है, किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति के विचार आरक्षित विधेयक को। अगला है, राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। अगला है, जिन विषयों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तारांकित प्रश्न। अगला है, संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचित में कांग्रेस की कितनी सीटें मिली थी? 204। अगला है, कार संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? मंत्रिपरिषद। अगला है, किसी सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? संवर्ती सूची के। अगला है, रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? 5 वर्ष। अगला है, प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्वों को। अगला है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन होता है? क्या होता है? प्रश्न काल। अगला है, भारतीय संसद को मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार किस संविधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला, हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। अगला है, संविधान के किस के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 352। अगला है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद समय को क्या कहा जाता है? याद रखिए शून्य काल।